सरकार भी केंद्र की सरकार और किसान दोनों को गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए। कैजुअल्टीज एक हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की चोटें भी आई। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अन्नदाता कहीं गलत है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि नुकसान नहीं होना चाहिए, और सरकार और देश का किसान उनका आपस में इस तरीके से प्रतिस्पर्धा भी नहीं होनी चाहिए कि वो आपस में लड़ें। तो सर अभी जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें किसानों पे आंसू गैस के गोलियां भी छोड़ी गई है, तो विपक्ष के लोगों का कहना है कि जो सरकार है अत्याचार कर रही है किसानों के, आंदोलन आगे नहीं जाने दिया, हरियाणा में रोका जा रहा है। देखिए गंभीर मुद्दा है, जहां किसान एजिटेटेड है अपनी बातों को लेकर के, वहीं दोनों पक्ष सरकार भी केंद्र की सरकार और किसान दोनों को गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए। कैजुअल्टीज एक हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की चोटें भी आई, चाहे हमारी फोर्स का मामला हो चाहे किसान लोगों की बात हो, तो ये ऐसी चीजें हैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि सरकार भी गंभीरता से ले पर किसान भी संयम से काम लें, ताकि ये बातचीत के जरिए मसला हल। सर जो किसानों ने जो मांगे रखी हैं, आप कितना उनको सही मानते, कितनी जायज और कितनी नाजायज मांगे? बहुत ज्यादा होंगे तो जो समक्ष रखी है सरकार। किसान ने अपनी बात रखी है MSP को लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के, ये बैठकर बात का मसले का हल करने की बात में तभी कहता हूँ कि उससे विचार एक दूसरे के सुन करके फैसला लिया जा सकता है कम ज्यादा करके। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अन्नदाता कहीं गलत है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि नुकसान नहीं होना चाहिए, और सरकार और देश का किसान उनका आपस में इस तरीके से प्रतिस्पर्धा भी नहीं होनी चाहिए कि वो आपस में लड़ें, आपस में बैठ करके इस मसले का हल करना चाहिए। बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ है नफे सिंह राठी जी का, 11 गोलियां उनके शरीर से निकली है, लोग काफी निराश है, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उसमें बीजेपी के विधायक से इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, क्या कहेंगे? देखिए हिंसा किसी भी तरह की हो वो गलत होती है, और ये तो बहुत ही दुखदायक है किसी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक दो बार रहे, और मैं मान के चलता हूँ कि उनको इस तरीके से हत्या कर देनी वो बहुत ही दर्दनाक है। मैं तो उनके परिवार के साथ संवेदनाएं भी प्रकट करता हूँ, कल उनकी अंत्येष्टि में भी जाकर के आए थे और मेरे तो व्यक्तिगत संबंध भी थे उनके साथ, तो ऐसी हत्याएं होना ये बहुत ही गलत, मैं तो उसकी निंदा करता हूँ और पहले भी कहा अब भी कहूँगा सरकार से कि जो अपराधी हैं जिन्होंने ये जगने कांड किया है उनको पकड़ करके उनको सजा मिलनी चाहिए।